नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा जिनाटिकल्स में आपका फिर स्वागत करता हूँ। ये एक साइड का है, ठीक है, आपको ध्यान देना। जैसे मैंने ये बाहर गेट का डोरबेल के लिए दिया हुआ कनेक्शन, और ये डोरबेल का जो कनेक्शन यहाँ भी दिया हुआ है, ये अलग रूम के लिए है, ठीक है, ये रेंट के लिए पर्पज से बना हुआ है। वो देख सकते हैं अंदर में जो दिया मैंने सर्कुलर दिया, वहाँ लाइट या डोरबेल का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डोरबेल का सिर्फ कनेक्शन देने से नहीं होता, उसके लिए एक पॉइंट भी छोड़ना पड़ता है जहाँ पर हम उसे लटका सके, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, सीधा मेन लाइन लाया हूँ मैं यहाँ के लिए, ठीक है। उससे पहले जो था उसका इन्वर्टर कनेक्शन के लिए मैंने डाल दिया था पाइप, और ये पाइप आप देख सकते हैं ऊपर से है, क्योंकि यहाँ सर्किट ऊपर से नीचे नहीं गिरा है, क्योंकि ये दीवार बाद में बनाया है, ठीक है। ये यहाँ से शॉर्ट होते हुए उधर किचन में गया है, और ये बाथरूम के लिए मैंने स्विच बोर्ड के लिए दिया है, ठीक है। अब ये बाथरूम का वो पीछे जो बोर्ड है वहाँ से हमें शॉर्ट करा के इसे काम करना है। ये देख सकते हैं यहाँ से इनका एक मैंने गीजर के लिए दे रखा है, और एक बल्ब के लिए। ये देख सकते हैं यहाँ जितना भी वहाँ जैसे पाइप गिरा वहाँ पे भी हमारे 400 का बॉक्स लगाना है। ये हमने मेन स्विच के लगाया, और इसके जो पीछे हमने मेन लाइन सप्लाई के लिए हमने डाल दिया है। सेम ये किचन में मैंने एक बोर्ड यहाँ दिया है, और एक बोर्ड वहाँ कोना में दिया मैंने, ठीक है। दो कम से कम बोर्ड किचन में ज़रूरी पड़ जाता है रेंट पर्पज से, उसे पूरा अधिक देना भी जरूरी ठीक नहीं था, जितना लिमिट में यहाँ मैंने दिया है। यहाँ ऊपर 4-4 का लगा हुआ, पर वहाँ पर 4-6 का रियल में बॉक्स लगना का है, तो उसे हम चेंज करके 4-6 का GIA बॉक्स लगा देंगे, क्योंकि वहाँ आप देख सकते हैं एक वेंटिलेटर था जिसमें एग्जस्ट फैन भी लगेगा, और साथ में एक लाइट के लिए भी हमें देना है। यहाँ भी इस रूम के लिए भी हमने काम कर लिया है, लगभग कुछ काम बचा है, जहाँ हमें इसी कनेक्शन के लिए पॉइंट डालना है। तो ये धीरे धीरे हमारा काम चल रहा है। तो ये देख सकते हैं ये जो दो ग्रीन पाइप जो आया, ये मैंने दो जगह के सर्किट के लिए गिराया था, जो हमारा मेन लाइन हमें टालना है। ये पाइप ये फैन बॉक्स पास आता है, ठीक है, ये फैन बॉक्स से हमें सप्लाई करते हुए हमारे सारा यहाँ जितना ही बोर्ड है वहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। ये बोर्ड मैंने इस रूम के लिए दिया इन करने के बाद। अब कुछ कुछ ये जो पाइप देख सकते हैं आप, ये पाइप मैंने ऊपर अगर बाई हुए काम होता है उसके लिए मैंने डाल दिया है। सेम इस जगह मैंने एक स्विच बोर्ड दिया है, और यहाँ से एक बल्ब के लिए, और उस साइड भी मैंने एक बल्ब के लिए आ रही थी ये बोर्ड दिया हूँ, कि जिसके अपोजिट में किचन है। और यहाँ मैंने एक स्विच दे दिया, ये फिर मैंने बाथरूम के लिए दिया था, कि बाथरूम के बाहर क्लीन करके हमें जाने के लिए मैंने 4-6 बोर्ड दिया है। यहाँ पे मैंने दो बोर्ड दिया है, एक यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, और एक उस साइड, ये भी किचन का ही है, ये भी मुड़ गया है मेन। सब 5 इंची का दीवार है, और पूरा काम भी कम्प्लीट नहीं हुआ था, हमें जल्दी में कम्प्लीट करना है, तो इसी के चक्कर में डैमेज बहुत अधिक हो गया है एक बार। ये देख सकते हैं ये एक बोर्ड है इस रूम का, और इस रूम में एक बल्ब के लिए मैंने दिया, सेम वहाँ बल्ब के लिए दिया, और इस रूम में बाथरूम भी अटैच है, ठीक है, इसके लिए मैंने वहाँ 4-6 का एक बॉक्स दिया था, वो एसी के लिए पॉइंट दे चुका हूँ, जो हमारा सारा फेनुक बॉक्स से हमने सप्लाई कर दिया, तो हमें कटिंग का अधिक ज़रूरत नहीं पड़ा। आपको याद रखना है कि ऊपर जितना भी काम करें आपको कटिंग का ज़रूरत कम पड़े। ऊपर देखिए मैंने गीजर के लिए दिया है, ठीक है, इसका जो हमें यहाँ से शॉर्ट करा के लिए आया बाहर से। ये एक रूम है बेडरूम का था, ठीक है, बेडरूम जितना भी होता है। फिर मैं ये हॉल का, हॉल में भी देख सकते हैं मैंने एक साइड में बोर्ड दिया पावर बोर्ड के लिए, और वो मैं ऊपर से उसे मेन लाइन टाल लूँगा। सेम इस रूम में का भी है, ठीक है, इसमें मैंने एक एसी का कनेक्शन, और यहाँ एक टेबल के लिए मैंने पॉइंट पावर बोर्ड दिया है, ठीक है, 4-6 का दिया मैंने। इसके साथ ही इस जगह से वो पाइप देख सकते हैं, वहाँ पर एक सर्कुलर है, रियल में प्लस्तर करने से वो ढक गया है, तो वो बाहर के लाइट के लिए दिया हुआ, और वहाँ के लाइट के लिए भी। यहाँ का जो हमारा मेन बोर्ड होता है ये था, इसके साथ बाहर में आ रही की भी रूम है, ठीक है, इसके लिए वहाँ भी काम चल रहा है। तो इस वीडियो को जब मैं पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये, तो मैं इसका पूरा एक प्योर वीडियो बना दूंगा, और इसके साथ तार डालना जितना भी होता है आप इसी में समझ सकते हैं, तार डालना से लेके MCU बॉक्स बैठाना तक आपको कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये जो रूम बना रहा कटिंग हो रहा है, ये रेंट पर्पज़ पर था, तो हमारे ये देख के चलना था कि हर जगह का हमें पावर अलग से पहुँचाना है, क्योंकि मीटर सबका अलग अलग रहेगा, मेन इसमें दिक्कत होता है कटिंग में, कहीं कहीं एग्जस्ट्रा लग जाता है, ठीक है। जैसे ये एक इसका बाथरूम था, ये बाथरूम के लिए मैंने यहाँ पे दिया 4-6 का, और ऊपर गीजर का पॉइंट दिया था, ठीक है, उसका बैक साइड